अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत होंगे। तो एक और वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हैं आप लोग, तो उसके बारे में आपको के साथ ये वीडियो शेयर करना चाह रहा हूं। तो इस वीडियो में जो है ना, आप अगर इनकेस वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो अपने लिए जो है ना वो थंबनेल बनाते हैं, तो आपको मैं कुछ ऐसे ऐप्स दिखा रहा हूँ जिससे आप आसानी से अपना जो है ना वो थंबनेल बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक है कैनवा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको, अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर में जाकर आप कैनवा जो है वो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप वेबसाइट पर जाकर वहाँ से कैनवा वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। अब ये इसको ओपन करके आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फॉर यू, सोशल मीडिया, वीडियोज़, प्रेजेंटेशन, ये यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं ऊपर से, डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल, वीडियोज़। अब ये देखिए नीचे करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो है ना फोन वाल पेपर्स मिलेंगे, मोबाइल वीडियोस मिलेंगे जो वीडियोस बनाते हैं आप लोग, ये वीडियोस हो गई, ये यूट्यूब थंबनेल हो गए, इंफोग्राफिक्स, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना वो अपने हिसाब से आप अगर यूट्यूब बैनर बनाना चाहते हैं वो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इनकेस थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सी ऑल क्लिक करके आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मिलेंगे। अभी देखिए आपको ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, इसमें जो प्रो यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो प्रो जो है ना आपको वो परचेज़ करनी होगी, तो प्रो जो है ना वो छोड़ दें, इसमें जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो उस पर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक इसमें मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप एडिटिंग कर सकते हैं इस सैंपल पे। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मूव करना चाहता हूँ या मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो रिप्लेस क्लिक करके आप जो पिक्चर आप लगाना चाहते हैं तो वही क्लिक किया, प्लॉट में जाकर अगर मेरे पास दूसरी पिक्चर हो तो वो मैं आपको जो है ना उस पर रिप्लेस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये रिप्लेस हो गई, ठीक है। आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ना टेक्स्ट वगैरह है, आप इस पर चेंजेस कर सकते हैं, इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एरो है, इसको मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जो पीछे शेड है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो इस पर आप मुख्तलिफ जो है ना काम कर सकते हैं। अब एक और टेम्पलेट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर उस पर आप काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी जो है ना टेम्पलेट्स मिलेंगे, तो इस पर जो है ना आसानी के साथ आप अपनी वीडियो के मुताबिक आप अपने जो है ना थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल जो है वो यूट्यूब की जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि उसकी वजह से जो है ना आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है, जो व्यूअर्स होते उसको अट्रैक्ट करके वो मजबूर हो जाते हैं वीडियो को देखने में। तो आप थंबनेल इस तरह बना दें कि वो जो है ना उसके सामने आ जाए तो उसको क्लिक करें। थंबनेल जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूट्यूब में। अगर आप यूट्यूबर है, अगर आप पॉडकास्ट हैं, या आप अगर भी फ्रीलांसर यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, या आप गेमिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अब ये गेमिंग के लिए है, ये एक तैयार रेडीमेड जो है ना यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे अगर इनकेस अपनी पिक्चर है वो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, अगर इनकेस आप बैकग्राउंड नहीं करना चेंज करा सकते, इसी विश अगर आप बैकग्राउंड चेंज करा सकते हैं वो भी कर सकते हैं रिप्लेस में जाकर। अब ये देखिए, अगर इनकेस मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपना जो है ना यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, वाइट कर सकते हैं यहाँ पर, और अपने हिसाब से अगर कोई आपके पास इस तरह कोई बैकग्राउंड वाल पेपर है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी आसानी के साथ आप यहां पे एक ज़बरदस्त थंबनेल बना सकते हैं, आपके लिए उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो आपका इतना टाइम ज़्यादा नहीं होगा, आइडिया हो जाएगा आपको कि थंबनेल किस तरह बनती है। मैं ज़्यादातर वीडियोस में जो थंबनेल बनाती हूं वो कैनवा पे बनाता हूं, तो कैनवा जो है वो काफ़ी बेस्ट है। इसमें कुछ जो टेम्पलेट्स है वो प्रो पे होते हैं, लेकिन वो खैर लिमिट उसको छोड़ दें, जो आपके पास फ्री स्टॉक पड़े हुए हैं उस पर ही काम कर ले तो आपके लिए फ़ायदा है। तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सूट करता है और जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरह काम करें। अब यहाँ पे आपको जो है ना इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो नज़र आएंगी, ये नीचे फंक्शन, ये देखिए ये डिज़ाइन से एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में आप मुख्तलिफ एरोस, जो इमोजी है या जो कुछ भी है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट में आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं, गैलरी में जाकर अपनी जो है ना जो पिक्चर्स है वो कर सकते हैं, उसमें ब्रांड जो है वो अलग हिसाब है इनका, छोड़ दें इनको। अपलोड में जाकर आप जो चीज़ें अपलोड करनी होती है या जो आपने किए हैं वो कर सकते हैं। ड्रा कुछ, अगर कुछ ड्रा करना हो मार्कर से या इस तरह कुछ और, वो भी कर सकते।
और प्रोजेक्ट जो आपने पहले से प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ये ऐप्स है यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ फ़ोटोज़ है, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ फ़ोटोज़ मिलेंगे, इंडियन फ्लैग, बैकग्राउंड पेपर, बैकग्राउंड है यहाँ पे। अगर इनके बैकग्राउंड चेंज करना चाहते फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, ये चाहिए ये बैकग्राउंड आपके यार, तो वो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर आपको काफ़ी सैम्पल्स मिलेंगे बैकग्राउंड के या कुछ और, तो आप उस मुताबिक जो है ना उसके मुताबिक आप अपनी जो है ना वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते। तो ये जो है ना काफ़ी बेस्ट ऐप है कैनवा। ये जो है ना मैंने इस पे काम किया था, काफ़ी लोगों से भी मैंने सुना था, तो मुझे कैनवा ऐप काफ़ी बेस्ट लगा तमलील के लिए। अगर आप इंस्टा के लिए या फेसबुक के लिए आप तमिल, तो आपको मैं दिखा रहा था कि तमिल के हवाले से कि आप तमिल जो है ना वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो है ना ये नज़र आएंगे क्रिएट डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप अपने से कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे आपको सारे फंक्शन नज़र आएंगे, कस्टम साइज़, एनिमेटेड सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम के लिए या फेसबुक पोस्ट के लिए, सोशल मीडिया के लिए या ट्विटर के लिए, ब्लॉग बैनर के लिए, यूट्यूब थंबनेल के लिए, यूट्यूब बैनर के लिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह साइज पे, डेस्कटॉप पेपर के लिए, टी शर्ट्स के लिए, जो भी डिज़ाइन आप इसमें बनाना चाहते हैं जितनी साइज़ की भी एज इट इज़ आपको जो है ना उसी साइज़ का वो आपको ये फंक्शंस आपको देंगे और आप उसी के मुताबिक आप यहाँ पे वो पिक्चर्स बना सकते हैं। तो ये जो है ना काफ़ी बेस्ट ऐप है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें काम तो एक सिंपल भी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है। जस्ट आप इसके फंक्शंस को थोड़ा समझ लें और क्रिएटिविटी आप थोड़ा सा कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये ऐप जो है ना काफ़ी अच्छा है और उम्मीद है कि आपको जो है ना वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे दूँ जो आपके लिए फ़ायदा कर दे, क्योंकि कभी कभार मुझे भी शुरू में आइडिया नहीं था। मैं जो है ना एक वीडियो आपके लिए कैपकट पर बनाऊँगा जिसमें मैं वीडियो एडिट करता हूँ, तो वो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी बेस्ट है, इसमें आपको टाइम नहीं लगता, फंक्शंस काफ़ी जो है ना इजी हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। और तमिल अगर आप बनाना चाहते हैं और भी हैं आप, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तमिल जो है वो आप यहाँ से बना सकते हैं इजी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना आप तमिल बनाकर, आप इनकेस अगर आपने ये तमिल बना दी, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और सेव एज जो है ना वो आपको प्रिपेयर कर देगा। तो ये जो आपका जो डिज़ाइन है, प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, ये आपका डिज़ाइन जो है ना वो रेडी हो गया। आप उस भी जो है ना अपलोड कर सकते हैं अपनी वीडियो पे, जहाँ पे भी आप अपलोड करना चाहिए, यूट्यूब तमिल भी आपका भी रेडी हो गया। तो ये एज इट इज़ एग्जिट जो है वो आपका ये यूट्यूब तमिल के लिए रेडी है। मेरा मतलब ये है कि आप अपने तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं कैनवा में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।